वादा तेरा वादा, ये मौका मत दीजिएगा किसी को 28 तारीख के बाद गाने का, क्योंकि 28 को चुनाव है। सब वादा करेंगे कि हम आपके लिए ही कर देंगे, भरोसा उसी पे जिसने काम किया होगा। हम 39 नंबर वार्ड के नेताजी के साथ हैं। नेताजी, क्यों वादा पे लोग आपके भरोसा करें, क्यों आपको वोट दें, क्योंकि वादा सब करते हैं। जी जी, आपका कहना भी सही है, लोग अभी आएंगे, वादा का मौसम चला है जी, वादा सब करेंगे, लेकिन हमने वादा नहीं कि हम गारंटी दे रहे हैं। हाँ। मेरा सारा जो भी काम है वो सब गारंटी के साथ है। हाँ। मेरा मैनिफेस्टो देख लीजिए, सब में गारंटी दिया है मैंने। हाँ। वो जो काम है वो काम होके रहेगा, होके रहेगा जी। क्यों भरोसा करें कि हो ही जाएगा, जीते नहीं कि आप भी 5 साल के निकल लीजिएगा सरकार का पैसा लेके। आप पिछले गत कोरोना से लेकर के अब तक का इतिहास ले लीजिए मेरा। हाँ। लोगों से पूछ लीजिए जाकर के। हाँ। लोग क्या जवाब देंगे हमारे, हमने क्या किया उन लोगों के लिए। जब भुखमरी के हाल में थे तो कोई नेता जो थे, जो आज खड़े हैं वादा कर रहे हैं जो भी, वो कहीं नजर नहीं आए। अच्छा, सब अपना अभी वादा अभी सब दिख रहे हैं। हाँ। चुनावी मौसम में सब नेता दिख रहे हैं, लेकिन जब कोरोना की परिस्थिति आई थी, जब महामारी फैला हुआ था, कोई नेता किसी गली में नहीं दिखा। आप पूछ लीजिए कि कच्चा अनाज हो या बना करके अनाज हो, बना के भी हम लोगों ने बांटा, कच्चा अनाज भी घर घर डाला सबके, कोई सरकारी सहायता नहीं लिया। आप बिना कुछ बने इतना सारा काम कर गए। सवाल ये भी है कि क्या कोई मैनिफेस्टो का आपने जिक्र किया, दो काम ऐसा अगर आप जीत जाते हैं, क्योंकि यहाँ पूरा जल जमाव होता है, ठीक हो जाएगा क्या? बिल्कुल, इस पे पहला नजर है, और दूसरा मेरा शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा पे मेरी बड़ी नज़र रहेगी, क्योंकि इस वार्ड 39 के इलाके में आप घूम जाइए कहीं पे भी एक सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं है। और स्वास्थ्य का तो हाल देख लीजिए, कि अगर किसी को कोई बीमारी है तो PMCS का कुछ नहीं रास्ता दिखता है जी। अगर आज खून जांच, ब्लड जांच कराने के लिए जाइए तो आपको एक अच्छा खासा अमाउंट एक गरीब के लिए 1000-2000 खर्चा करना बड़ा मुश्किल है, उसको हम फ्री कराएंगे। जो भी हर बड़ा बात कह रहे हैं आप, कैमरा पर रिकॉर्ड कर जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये मैनिफेस्टो में लिख रखा है। हाँ। आप पढ़ सकते हैं मेरे मैनिफेस्टो को। हाँ। और प्लस इसमें आपको हर महीने मेडिकल कैंप लगाएंगे। हाँ। जिनको जो भी बीमारी हो, जो भी है, आप आएंगे चेकअप करा देंगे जी। और फ्री में सब टेस्ट होगा, फ्री में टेस्ट होगा जी। ये मेरा संकल्प है, ये संकल्प है। ये कितने दिन में काम हो जाएगा? जितने के साथ पहला महीना ही काम होगा। पक्का वाला वादा? पक्का वाला वादा रिकॉर्ड करके रख ले। बिल्कुल बिल्कुल। और सामुदायिक भवन देखा जाएगा, जो गरीब बच्चों की शादी के लिए परेशान होते हैं लोग, जहाँ तहाँ जाके मैरिज हॉल बुक करना पड़ता है, जहाँ अच्छा खासा अमाउंट लगता है, 30,000-40,000 रुपये का बुकिंग होता है, उसके लिए सामुदायिक भवन अपना है, उसको सुंदरीकरण करेंगे, उसमें कोशिश करेंगे जो गरीब बच्चों की शादी हो, और सामूहिक विवाह करने की भी कोशिश करेंगे। एक आखिरी सवाल, जनता के बीच में आप बेटा बन के रहिएगा या नेता बन के रहिएगा? बेटा बन के रहेंगे, नेता बनने की नेता अब नेता और बेटा। हाँ। दोनों में कोई फर्क नहीं है, अगर आप नेता हैं तो जन के लिए हैं। हाँ। बेटा हैं तो भी जन के लिए हैं जी। चलिए, तो देखिए, नेता बनने के बाद लोग काम करता है, मगर अगर नेता बनने से पहले कोई काम करके दिखाए, उस दौर में जब आपका अपना परिवार हाथ छूने से डरता था, तब आपके लिए कोई अनाज लेकर आए और दरवाजा का बेल बजा के दे, तो समझिए वो अपने फायदा के लिए नहीं, वो समाज के लिए फायदा के लिए आया है। बाकी आप जनता है, आप डिसाइड कीजिए, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। धन्यवाद।